फ्रेंड्स, पूनम गुप्ता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के स्पेशल पकौड़े। उसके लिए हमें चाहिए 3 कच्चे आलू पील किए हुए, जिसको हम ग्रेट करेंगे। हमने अपने कच्चे आलू ग्रेट करके रख लिए हैं, तो हम इनको अच्छे से सोक कर लेंगे ताकि इनका पानी निकल जाए। कच्चे आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, नमक, मिर्च और मैदा। अब हम अपने पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमने कच्चे आलू पहले से ही ग्रेट करके रखे हुए थे, उसमें हम 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। हाफ स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, नमक और गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे से बाइंड हो जाएं और पकौड़े बन सकें। हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि क्रिस्पी बने। हमारा बैटर ना ज्यादा पतला होगा और ना ज्यादा टाइट। हम अपनी पकौड़ियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। एक जगह गैस पर आप ऑयल पहले ही गर्म होना रख दें। हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। और हम अपनी पकौड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी एकदम इंस्टेंट है और सबको बहुत पसंद आती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। ये आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक इंस्टेंट रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।